अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो आज जो है ना सुबह सुबह टाइम बज रहे हैं जी 12, सुबह सुबह कहाँ हो रही है। तो अभी आ चुके हैं बादल वगैरह, बहुत ही मजे के सीन, धूप शूप खत्म हो चुकी है, बादल आ चुके हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी। तो मैं अभी मौजूद हूँ छत पे बकरों के पास। मैंने कहा कि चलो बकरों का आता पता कर रहे हैं, ठीक है। तो बकरे बैठे थे, जब मैं ऊपर आया हूँ तो उठ गए हैं। तो अभी जी आपके भाई का मोबाइल ही नीचे गिर गया, हाथ से स्लिप हो गया था। तो अभी जो है हवा शवा फिर से चल चुकी है, बीच में बंद हो जाती है हवा, बीच में चलने लग पड़ती है, जब बंद होती है तो हबस हो जाती है, ठीक है, गर्मी गर्मी फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो है ना चलते हैं जी नीचे। तो अभी जो है मैंने सोचा कि आज क्यों ना मौसम चमकसी हुआ है तो बिरयानी बना ली जाए, अभी जल्दी से चलते हैं बिरयानी बनाते हैं और खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं सीन्स। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दी। तो इस तरफ चावल भिगो के रख दिए हैं, ठीक है, आधे घंटे के लिए। इस तरफ मसाला वगैरह कटिंग होने वाला पड़ा है। और ये आ गया चिकन, जिसको मसाला वगैरह लगा के रख दिया हुआ मैरिनेट के लिए। तो जी सबसे पहले प्याज जो है वो ब्राउन कर लेंगे। तो जी इस साइड पे जो है ना हम डाल लेंगे मोटी इलायची पानी में, और साथ में ये देखें दालचीनी और 3 से 4 लौंग जायके के लिए, खुशबू के लिए। तो जी ये देखें ये हमारे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें बारी है गोश्त डालने की। गोश्त डालते हैं जी इसमें दही और साथ में जो बिरयानी मसाला है वो मिक्स करके मैंने गोश्त को 10-15 मिनट जो है मैरिनेट कर दिया इसमें डालते। तो इधर है जी अपने वन एंड ओनली शेफ वसीम भाई जो के बिरयानी बनाते हुए, ठीक है। तो मैं गया हुआ था, अभी मैं वापसी आ चुका हूँ, बिल पे करने गया था, तो अभी आ गया। तो अभी जो है ना बिरयानी बन रही है और भाई मौसम भी जो है ना वो ठीक हो चुका है, धूप भी कल आई है अच्छी। तो अभी बिरयानी बनाते हैं और खाते हैं, मज़े करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी इस तरफ हरी मिर्च और टमाटर जो है ना ऐड कर देते हैं चिकन के अंदर। चिकन अपना जो है ना फ्राई हो चुका है। तो अभी जा रहा हूँ जी छत पे, छत पे जो है ना बकरों को चारा वगैरह डालते हैं जल्दी से। ये चेक करें इस तरफ बादल हैं और इस तरफ उस्ताद तबा सिंह, ठीक है। और ये चेक करें इसके काम देखें, वो ये गिर गया हुआ है, ये मैंने लगाया था यहाँ पे, हवा की मदद से नीचे गिर गया हुआ है। अभी इसे भी उठाते हैं और इनको चारा वगैरह भी डालते हैं। ले जी चारा वगैरह डाल दिया इन्हें। तो ये भी एक इनकी खुराक है, ठीक है। ये जो है ना इसे बोलते हैं पंजाबी में चोकर, ठीक है, इसे चोकर बोलते हैं। ये ऊपर डाल देना तो फिर जो है ना ध्यान से चारा खाते हैं, ध्यान उठाते नहीं, चारा खाते रहते हैं बस। तो अभी जो है ना धूप आ रही है बकरे के ऊपर, यहाँ पे भी एक तरपाल लगाने वाली है, ठीक है, वो भी लगाते हैं जल्दी। ले जी तरपाल वगैरह भी लग चुकी है, अभी चलते हैं नीचे। अभी इनका ध्यान श्यान रखते रहते हैं, जब इनसे चारा खत्म होगा तो फिर इनको चारा डालना है। अभी जो है ना मैं नीचे ही, तो अभी एक मरतबा फिर आऊँगा इनको चारा डालने। तो जी मैंने आलू जो है ना पहले कर लिए थे बॉयल, कलर डाल के जर्दा कलर डाल के रंग चढ़ गया उनको, थोड़ा सा नमक डाल लिया था। अब जो है ना मसाले में थोड़ा सा आलू को जो है ना भून लेंगे और इनमें टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरफ जो है ना चावल हो चुके हैं, पानी जो है ना उबलना स्टार्ट हो चुका है, और इस तरफ जो है ना अपना गोश्त भी एकदम रेडी हो चुका है, मज़ेदार रेडी हो चुके हैं। तो अभी जो है चावल अपने बॉयल हो चुके हैं, अभी इनसे पानी उतार लेते हैं। तो अभी जो है चावलों से पानी उतर के आ चुका है और देगचा जो है ना वो ऊपर चढ़ा लिया है। अभी इसको चावलों को फैलाते हैं, तह लगाते हैं जिसे बोलते हैं। ले जी चावल जो है ना पतीले के अंदर फैला लिए हैं और कुछ जो है ना बचा लिए हैं। तो अभी जो है ना अपना चिकन का सामान ये ऐड करते हैं ऐसे। बोटियां वाले चावल ले जी, चिकन अपना जो है ना हमने फैला लिया है चावलों के ऊपर। तो अभी जो है ना इसके ऊपर चावलों की एक और तह डालते हैं, एक और तह लग चुकी है, अभी इसके ऊपर डालते हैं जी जरदार रंग।
देखें जी ज़रदा रंग आ चुका है, अभी ये डालते हैं। तो उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर और साथ में अदरक, उसके बाद जो है ना भुनिया ब्राउन प्याज वो भी ऐड कर देंगे। तो अभी जो है ना इसको ढांप के 10 मिनट के लिए जो है ना वो दम लगा लेंगे। ये अपनी बिरयानी पक के एकदम मज़ेदार सी आ चुकी है, चलें ढक्कन उठाएं। ये लें जी, चेक करें बिरयानी का कलर कैसा आ चुका है, मज़ेदार सी। मिक्स करो, अभी जो है ना हमारे शेफ साहब मिक्स करते हैं। तो आ चुकी है जी मज़ेदार सी बिरयानी। ये है जी आलू, इसे बोलते हैं पंजाबी में, और ये मिर्च और ये साइलेट। अभी बाइट बनाते हैं। ओ हो, क्या सुनने लेवल का मज़ा ही आ गया। चिकन साथ में साइलेट और अभी बाइट देते हैं। ओ हो, मज़ा ही आ गया। अभी जल्दी से बिरयानी खाते हैं और मज़े उड़ा। पंजाबी में जिसे बोलते हैं चस, वो आ गई। लें जी ये चेक करें, बिरयानी वगैरह खा के फारिग हुए हैं। तो आंधी आ चुकी है बहुत ही तेज, चेक करें जरा। ओए होए होए होए, ओए दरख्त देखे कैसे ही लड़ा, ये देखे। और ये चेक करें, इस तरफ से आई है बहुत ही खतरनाक आंधी, ठीक है। मोबाइल में इतना ज्यादा रेड रेड पता नहीं क्यों लग रहा है, बकरों को क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हवा आ चुकी है यकसुदम, वो देखें कागज जो है ना, ये चेक करें। वाह, आंधी आ चुकी है बहुत ही तेज, ये चेक करें। लाइट वाली तारें भी हिल रही हैं। ओए हो, ये ओए होए होए होए, मैं बैठा हूँ यकसुदम जो है ना एकदम आवाज आना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर मैं इग्नोर करके चेयर पे आके बैठ चुका हूँ और आंधी आई है। इतनी मज़ेदार और ठंडी हवा, ओए होए होए, अभी सुकून हो चुका है। सुबह का ना बस बस हुई थी, घास वगैरह लगी हुई थी, बादल ही बादल थे बस, अभी मज़ा आ चुका है जी। ये असली हवा का मज़ा है, ये देखें परिंदे वगैरह भी जो है ना वो भी कभी इस तरफ जा रहे हैं कभी इस तरफ, दरवाजे लग रहे हैं आपस में इधर इधर। और ये हमारे सामने उन्होंने तरपाल लगाई है और वो छोटा बच्चा जो है ना वो उतार रहा है, कोशिश कर रहा है, हवा इतनी है वो दोबारा नीचे गिर जाती है। वाओ, ये चेक करें जी, अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है कल भी आई थी आंधी हल्की फुल्की, तो अभी फिर से दोबारा आ चुकी है। खैर मौसम ठंडा आ जाएगा। ये चेक करें, आपके भाई ने यहाँ पे परिंदों के लिए दाना और पानी रखा हुआ है। ये सुबह मैं पानी रोजाना जब मैं उठ के नीचे जाता हूँ ना, पानी ज़रूर चेंज करके जाता हूँ। तो इस तरफ जो है ना मैंने तरपाल को जो है ना बांधा भी है, अंधेरी की मदद से वो दोबारा खुल गई है। अभी मैंने उसे पक्का करके जो है ना बांध दिया, यहाँ पे ये ताला लगाया अभी मैंने इसे। बकरे अपने तो परेशान ही हो चुके हैं कि इतनी हवा कहाँ से गई, क्या आ रहा है, कुछ नहीं। ओए ये देखो अभी तक आंधी चल रही है, बादल शादी चेक करें। अंधेरी बाद में आती है, लाइट पहले बंद हो जाती है, तो लाइट भी चली गई है जी। तो अभी तक अंधेरी चल रही है, चेक करें जरा मौसम। आज रात सुकून की हो गई छत पे। तो अभी आ चुकी है जी धीमी धीमी बारिश। तो अभी जो है ना बकरों को डाल दिए चारा वगैरह, ठीक है, तरपाल फिर से लगा दिया क्योंकि बारिश आ चुकी है। तो अभी जो है ना ये चेक करें, यहाँ पे बारिश आ चुकी है, कितनी कितनी मोटी बारिश है ये चेक करें, ठीक है।
तो अभी देखते हैं बारिश कब तक चलती है। बकरों को मैंने बाहर ही बांधा, अंदर नहीं किया, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा हबस हुई है ना, जिसे बोलते हैं गर्मी है, वो बहुत ही, इसलिए मैंने जो है ना बाहर ही बांध दी है।